यहाँ यह बदलाव यूं ही नहीं आए। इसके लिए आत्मा मधेपुरा ने सबसे पहले स्थानीय आवश्यकतानुरूप सब्जी की खेती करने वाले कृषकों के कृषक हित समूह बना सब्जी की खेती में जैविक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समूह के सदस्यों को विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण सहित प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण जैसी कृषक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सहित हर संभव सहयोग उपलब्ध करा, विभिन्न तरह के जैविक खाद सहित जैव कीटनाशकों के निर्माण की तकनीक सिखा, सब्जी की खेती में इनके प्रयोग से होने वाले लाभ से अवगत करा, जैविक सब्जी की खेती को स्थानीय कृषकों के बीच प्रचलित करने के प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ सैकड़ों किसान न सिर्फ विभिन्न तरह की जैविक खाद और जैव कीटनाशकों के निर्माण में दक्षता हासिल कर ली है, बल्कि इनका अपनी सब्जी की खेती में प्रयोग कर पूरी तरह जैविक सब्जी के उत्पादन द्वारा सब्जी के उत्पादन में रसायनों पर होने वाले खर्च बचा, जैविक तकनीक से विभिन्न तरह के सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित इनका अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ इटवा जीवचपुर ग्राम को एक बड़े जैविक सब्जी उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। आइए अब हम आपको स्थानीय सब्जी उत्पादक समूह के ही एक और सदस्य किसान रामचंद्र यादव से मिलाते हैं, तो सुनते हैं क्या कहना है इनका। हम लोग साग सब्जी का खेती कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं जैविक खाद से कर रहे हैं, अपने से ही बनाते हैं और जो भी फसल में डालते हैं उस फसल का स्वादिष्ट भी अच्छा होता है, लगता है, कोई भी शरीर में कंपोस्ट ज़्यादा मिलता है वो जैविक खेती से। इसी लेकर हम लोग कीटनाशक भी अपने से बनाकर छिड़काव करते हैं, बाजार से इस्तेमाल नहीं करते हैं, या नीम या लहसुन या लाल मिर्च इसको चूर्ण बनाकर डाल देते हैं, गौमूत्र भी देकर उसको कीटनाशक बनाकर तैयार करते हैं और छिड़काव करते हैं, तो कीटनाशक सब ही मर जाते हैं और बढ़िया ही फल भी बढ़िया रहता है, सुरक्षित भी रहता है, खाने में भी स्वाद भी अच्छा होता है। इसे देख और सुनिए सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा मधेपुरा के जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय कृषकों के सबलीकरण में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसके लिए जिला कृषि कार्यालय सहित आत्मा मधेपुरा की पूरी तकनीकी टीम और आत्मा योजनाओं का लाभ ले जैविक पद्धति अपना इटवा जीवचपुर को एक बड़े जैविक सब्जी उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्थापित कर देने वाले कृषक और कृषक समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।